बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सेट करें ताकि हमारी आने वाली रोज की वीडियो आपको बर वक्त और सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। ये कसरत से हमारे पास ये सवाल आता है कि हमल के लिए मर्द के अज़ू का साइज कितना होना चाहिए, कितना जरूरी है जो हमल ठहरे। तो याद रखें कि ये भी मसला बहुत है। मैं अपने हर पैगाम में ये कहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमल का होना भी और हमल का ना होना भी। कभी अल्लाह जो जीना किए हुए मर्द और औरत की औलाद ठहरा देते हैं जब अल्लाह उनको रुस्वा करना चाहते हैं, और जब कोई शादी को 10 साल हो गए हों, 15 साल गुजर गए हों, तो दोनों के बीच में सब कुछ सही हो, बीमारी नहीं होती, वांछा नहीं होता, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत औलाद उनकी नेमत जैसे महरूम रखते हैं। तो याद रखें कि ये मर्द के ऊपर है, औलाद का होना भी और ना होना भी। तो ये औरत के ऊपर नहीं है, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुनहसर, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर रजा पर मुनहसर, अल्लाह ताला की कुदरत पर मुनहसर, अल्लाह ताला की तकदीर पर मुनहसर है। अल्लाह जिसे चाहे औलाद दे, जिसे चाहे ना दे, अल्लाह जिसे चाहे बेटियां दे, जिसे चाहे बेटे दे। इसलिए मर्द को कसूरवार ठहराना और औरत को कसूरवार ठहराना, ये दोनों ही बर्बादी है। लिहाजा इससे बचना बहुत जरूरी है। हमने अपने जो जहन में ये सवाल पैदा कर लिए कि सिर्फ और सिर्फ औरत पर मुनहसर है औलाद का ना होना, या सिर्फ मर्द पर मुनहसर है औलाद का होना या ना होना, लिहाजा इन जैसे सवालों को करना हमल के लिए मर्द के हुज़ूर का साइज कितना होना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारे राज फालतू बातें हैं, ये सिर्फ और सिर्फ शैतानी ख्यालात हैं जो हमें इन ख्यालात में डाले रखता है। लिहाजा इन ख्यालात से बचा जाए, इन जो चीजों से बचा जाए, और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मुनहसर है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत पर मुनहसर है। ये वही देने वाली जात है और छीनने वाली जात है। अल्लाह जिसे चाहे 20 औलाद देकर भी ले ले, अल्लाह जिसे चाहे शादी के 20 साल बाद भी औलाद की नेमत से नवाजे, अल्लाह ताला की जात से जुड़े रहें, ताल्लुक कायम करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत इतना देगा कि आप इसे संभाले भी नहीं पाएंगे। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो यकीनन आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल मुस्लिम लाइफ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।